हमें लगता है आपको धैर्य के बारे में नहीं, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोचना चाहिए। अगर इस तरह तुम रोई, हमें तो तकलीफ होगी ही, लेकिन काकी का क्या होगा? बेटी वो तो टूट जाएगी, और धैर्य उसको कहां से हौसला मिलेगा? आप थोड़ा वक्त और ले लीजिए, लेकिन धैर्य के ठीक होने से पहले ये काम हो जाना चाहिए, ताकि ठीक होने के बाद उसे अपनी पूरी जिंदगी हमारे भरोसे बितानी पड़े। मधु, ये सब जो तुम कर रही हो, सोच समझ के कर रही हो, क्योंकि देखो ये सब बातें हमारे रेपुटेशन पर इफेक्ट जरूर डालेंगे। प्रताप, पैसा हर बात को ढक देता है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। काका, अपने ऐसे क्यों देख रहे हैं? जहां तक हमारी याददाश्त है, वही वकील साहब हैं जो उससे हमें मिले थे। हो सकता है, पर इन्हें देखकर परेशान क्यों हो रहे हैं आप? ये यहां क्या कर रहा है? काका, ये जाने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा। देखो बेटी, हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। आज से तुम मधु पे नजर रखना बेटा। मधु मैडम पे नजर? हम? देखो बेटा, जो हमने कहा है वही करो। जी। भगवान ने मां और बच्चे से प्यारा रिश्ता कोई भी नहीं बनाया। काकी, आप सुबह से यहीं बैठी हैं, आप जाके थोड़ा आराम कर लीजिए, रात को धैर्य सर को कुछ चाहिएगा तो हम दे देंगे। तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ठीक रह लूंगा। धैर्य बेटा, ठीक है, हम यहां से चले जाएंगे। पहले ये दवाई खा लीजिए। काके, आप चिंता मत कीजिए, धैर्य सर ने हमें अपने कमरे में रहने से मना किया, पर उनका ख्याल तो हम बाहर से भी रख सकते हैं ना। माते, हमें ग्रहों का स्थान बदलने के लिए कुछ तो अवश्य करना पड़ेगा। नारायण नारायण, परंतु गौ माते, ये कोई साधारण ग्रहण नहीं है, शनि देव की महादशा है। शनि देव की महादशा जिसे परिवर्तित करना लगभग असंभव है। गौ माते, माते तो क्या इस दुविधा का कोई हल नहीं? गौ माता, इस समस्या का एक ही उपाय है। संतोषी को ये ज्ञात हो जाए कि ग्रहों की शांति के लिए पूजा करनी पड़ती है। हम जानते हैं कि संतोषी अपनी भक्ति और आस्था से ग्रहों को भी अपना स्थान बदलने के लिए बाध्य कर सकती है। नारायण नारायण, क्षमा चाहते हैं माते, किंतु संतोषी को ये बात कैसे ज्ञात होगी? माते कैसे? हमें कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। Thank you.
हेलो डॉक्टर अग्रवाल जी कौन? हेलो डॉक्टर साहब, हम धैर्य की माँ भी बोल रहे हैं। मधु, अब धैर्य थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है, लगता है आपकी दवा असर कर रही। अगर ऐसा ही रहा तो धैर्य दो चार दिन में ठीक भी हो जाएगा, है ना? देखिए मधु जी, लकवे का असर उनके चेहरे पर नहीं था इसलिए वो बोल पा रहे हैं, पर फैट तो ये है कि उनका राइट पोर्शन पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धैर्य पर दुआओं का असर तो तब होगा जब उसके लिए कोई दुआ करेगा। अब ना तो कोई उसके लिए दुआ करेगा और ना ही वो अपने पैरों पर कभी खड़ा हो सकेगा। अचानक से मौसम को क्या हो गया? आंधी तूफान, हवा भी कितनी सर्द हो गई है। डॉक्टर ने वैसे भी धैर्य सर को ठंडी हवा से बचाने के लिए कहा है। धैर्य सर के कमरे की खिड़की खुली हुई है। काढ़ा बाद में दे देंगे। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने कहा दूर हटो, मैंने कहा जाओ यहाँ से। चादर तो पूरी के लिए हो गई है। मैंने कहा जाओ यहाँ से। बिल्कुल भीग गए हैं, पहले आपके कपड़े बदलवा देते हैं। कोई जरूरत नहीं है। तुम समझ में नहीं आ रहा, मुझे मेरे हॉल पे छोड़ दो। याद रखना, मैं जब ठीक हो जाऊंगा ना, इसकी सजा तुम्हें जरूर दूंगा। ठीक है, ठीक होने के बाद चाहे जो सजा हमें दे दीजिएगा, पर अभी तो शोर मत मचाइए। धैर्य सर, तो आप बताइए क्या करें अभी? इतनी रात को किसे बुलाएं? काकी को इतनी रात तंग करना अच्छा लगता है क्या? देखिए आप भीगे हुए हैं, अगर पूरी रात ऐसे ही रह गए ना तो बुखार हो जाएगा। आपकी तबीयत के लिए कह रहे हैं। अच्छा आप चिंता मत कीजिए, हम आपके कपड़े बदलते वक्त आपको बिल्कुल नहीं देखेंगे, कसम से। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लीव मी अलोन। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? बदार, मुझे जो हाथ लगाया तुमने, छोड़ो छोड़ो ऐसे, छोड़ो मुझे ऐसे, छोड़ दो इसमें। बहुत बुरा कर रही हो तुम संतोष।
जस्ट गेट आउट, निकल जाओ यहां से। आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। याद रखना, मैं ठीक हो जाऊंगा ना, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें संतोष। आई विल नॉट लीव यू। फूल हम धैर्य सर के कमरे में रख देते हैं, उन्हें फूल बहुत पसंद है। सुबह की शुरुआत ताजे फूलों के साथ। काका, अच्छा हुआ आप यही मिल गए, आप ही के पास आ रहे थे। बताइए शाम की पूजा की तैयारी कैसे करनी होगी? देखो बेटी, मैं एक काम करता हूँ, ये पूजा का सामान मैं ले आता हूँ, तुम प्रसाद बना दो और जो आने वाले हैं उनके भोजन की व्यवस्था कर दो, ठीक है? जी ठीक है। अच्छा काका, जाहिर है तो वो, अरे हम समझ गए, तुम चिंता मत करो, जो लोग आ रहे हैं हम उनसे कह देंगे आज उनको खट्टा नहीं खाना। काका, हमारे बिना कुछ कहे या हमारे मन की बात समझ जाते हैं। अरे हमारी बच्ची, अपनी बेटी का साथ देना ये तो किस्मत वाले बाप को नसीब होता है। अच्छा काका, बाजार से दो कलश लेते आइएगा, एक से उद्यापन हो जाएगा और दूसरे से हम नए व्रत की स्थापना कर पाएंगे। नए व्रत की स्थापना बेटा? हाँ काका, हमने तय किया है कि हम नए 16 शुक्रवार का व्रत शुरू करेंगे धैर्य सर के लिए। देखिएगा, संतोषी माँ के आशीर्वाद से धैर्य सर पर ये आया बुरा वक्त कैसे दूर हो जाता है। अच्छा काका, अब हम चलते हैं, बहुत सारा काम है। पूजा की तैयारी शुरू करने से पहले धैर्य सर के लिए कुछ बनाना होगा, वो जाग जाए उससे पहले उनका नाश्ता बना ले। हमारे हाथ से तो कुछ खाएंगे नहीं, तो काकी के हाथ से उनका नाश्ता करवा देते हैं। हम तुम्हारा योद्यापन किसी भी हाल में पूरा नहीं होने देंगे संतोषी।
माँ, ये फ्लावर्स कौन लेके आए? काकी, ये सूप डॉक्टर साहब ने धैर्य सर को पीने के लिए कहा है, पूरा खत्म करवा दीजिए। लो बेटा। काकी को पिलाने में दिक्कत हो रही है इसलिए हम पिला रहे हैं। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने अरे वाह, तो सब तैयारी हो गई जी? बस बच्चे आ जाएं तो हम पूजा शुरू कर देंगे। बेटी क्या बात है, तुम तो कुछ उदास सी लग रही हो मुझे। समझ नहीं आ रहा काका, खुश हो या उदास। एक तरफ काकी के लिए रखा गया व्रत अच्छे से पूरा होने जा रहा है तो दूसरी तरफ धैर्य सर इतनी तकलीफ में। बेटे ये सब समय का खेल है, इससे कोई बच नहीं सकता बेटा। मगर तुम चिंता मत करो, संतोषी मां सब ठीक कर देगी। संतोषी मां। बच्चे आ गए? एक मिनट काका। आज का उद्यापन तुम्हारे लिए यादगार होगा संतोषी, ये वादा है हमारा। नमस्ते दीदी। इतनी अच्छी व्यवस्था, काकी ये सब आपके लिए, आज व्रत का आखिरी दिन है, आप बस संतोषी माँ पे भरोसा रखिए, फिर देखिएगा कैसा चमत्कार होता है। धैर्य भी अगर इस आरती में शामिल होता तो इतना अच्छा होता, वो तो यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन हम ऊपर जाके उसको संतोषी माँ के दर्शन जरूर करवाएंगे। हम जरा आते हैं थोड़ी देर में। हाँ काका, हम प्रसाद लेकर आते हैं, आप लोग बैठिए ना। संतोषी, तुम्हारे व्रत का उद्यापन आज हम पूर्ण नहीं होने देंगे।
देवी संतोषी, अब हम भी देखते हैं आपकी दृष्टि किस प्रकार कार्य करती है। ये रेखा तब तक अपने प्रभाव में रहेगी जब तक धरती लोक पर हमारी भक्त आपकी पूजा और प्रसाद में विघ्न डालती रहेगी। ये क्या हो रहा है? हमारी भक्त तो इतनी शक्तिशाली है कि उसे हमारी सहायता की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और वही वही देवी संतोषी की भक्त को पग पग पर उसकी माता की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ये खेल तो अत्यंत लुभावना है। वैसे तो खट्टे से खटास होती, लेकिन आज ये इमली हमारे लिए बहुत मीठा काम करेगी। ये अकस्मात किस प्रकार की छाया आ गई कि हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा? हमें ध्वनि तो सुनाई दे रही है, किंतु हमारे भक्त ओझल क्यों हो गए? अरे सबको मिलेगा लेकिन पूजा के बाद। हाँ बोलो संतोषी माता की जय। कथा समाप्त हो गई, अब मिलकर आरती कर लेते हैं। मैं बालिका संतोषी की सहायता अवश्य करनी होगी। नारायण नारायण। अरे बेटा चलो तुम भी हमारे साथ पूजा में शामिल हो जाओ। धैर्य। 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 उठो बेटा, इसको क्या हो गया? धैर्य धैर्य। अरे कैसे गिर गया बेटा? धैर्य उठो बेटा, उठने की कोशिश कर। लो मेरा हाथ, लो हाथ, लो अरे हाथ दो मुझे। धैर्य। संतोषी संतोषी।
माते, ये कार्य किसने किया?